हेलो 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 ओके मुझे बताइए सबसे पहले आवाज क्लियर है सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है गुड मॉर्निंग एवरीवन फर्स्ट थिंग यू शुड टेल मी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको फटाफट गुड मॉर्निंग अनुजा तुषार मुकुल क्षितिजा सोहल सिया चिन्मय मृणाल आदित्य फटाफट आ सब सबजन स्टार्ट करते हैं कॉन्सन्ट्रेट करना अच्छा तरीके से बच्चों ध्यान देना गुड मॉर्निंग एवरीवन जय दर्शन करे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे ठीक है और सबसे पहले वॉइस वीडियो क्लियर है क्या मुझे एक बात बताइए फटाफट YouTube पे हमारी 35 फाइव फिफ्टीन लेक्चर्स तक क्लास होने वाली है उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग होगा और लाइव स्ट्रीमिंग में सिलेक्टेड लेक्चर्स का बैकअप मिलेगा 100 परसेंट लेक्चर का नहीं मिलेगा uh, 100 परसेंट लेक्चर का बैकअप अगर मैं दे दूंगा तो लाइव स्ट्रीमिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा बट सिलेक्टेड लेक्चर्स का हम रखेंगे कभी अगर कोई कैलेमिटी होती है कुछ इशूज होते हैं तो उस केस में हम देने की कोशिश करेंगे फिर आपको गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव लेक्चर्स भी ले सकते हो जिसके अंदर आपको यही लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे और फिर जो लाइव स्ट्रीम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेम लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया चलो हम स्टार्ट करते हैं नियरली फोर्टी लोग ऑनलाइन है थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अगर आपको याद होगा ठीक है बड़े अच्छे से मेरे को बोर्ड के ऊपर ध्यान देना अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे पहले तो शुरू किया था क्या नहीं पहले चैप्टर लिस्ट लेते हैं चैप्टर लिस्ट फटाफट ले लो संडे गया है तुम गजनी टाइप रहते हो जिंदगी के अंदर तुमको याद नहीं रहता तुमने क्या किया क्या नहीं किया तो पहले जो है, वो दो -चार को भी हम रिवाइज कर लेंगे ठेके? क्योंकि ऐसा हो सकता है के बाद में, आपके बढ़ जाए ठीक है कपड़ों के ऊपर बड़ा ध्यान है तुम्हारा मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो नालायक लोग ठीक है पढ़ लिया मुकुल मैंने कमेंट डिलीट करके कोई फायदा नहीं गो स्टार्ट करते हैं करना अच्छे तरीके से मुझे चैप्टर्स बोलना आज थोड़ा सा चैप्टर हम उल्टा लेंगे वो भी लाइन से ठीक है तो मुझे बताओ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन नंबर कहां से कहां तक है बच्चों फटाफट बताइए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स चलो बहुत बढ़िया वन से लेकर वन जो भी लोग आ, ये कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया वन थर्टी नाइन से वन फोर्टीज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के सेक्शन है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बाद में अगला कौन सा है बोले अकाउंट्स ऑफ कंपनी मुझे फटाफट बताइए अकाउंट्स ऑफ कंपनी बहुत बढ़िया बच्चों जो सही सेक्शन कोट कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी दैट इज वन से लेकर कहां तक बोले वन थर्टी एट उसके बाद में डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज सेक्शन नंबर वन से लेकर सेक्शन नंबर वन उसके बाद में अगली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज सेक्शन नंबर वन सॉरी सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 122 उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज बोले तो जो चार्जेस होना सेट दैट इज सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन नंबर 87 उसके बाद में अगली चीज डिपॉजिट्स चलो बहुत बढ़िया सेक्शन नंबर 73 से लेके सेक्शन 76 शानदार फटाफट इतने फटाफट सेक्शन कमेंट कर रहे सब लोग आई एम वेरी हैप्पी उसके बाद में सेक्शन नंबर अच्छा अपना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ट इज सेक्शन नंबर 43 से लेके सेक्शन नंबर 72 उसके बाद में आएगा अपना प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दैट इज सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 42 उसके बाद में अगली चीज आती है कौन सी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज दट इज सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर ट्वेंटी बहुत बढ़िया बच्चो सभी लोग कमेंट कर रहे जबरदस्त जिंदाबाद और सबसे आखिरी आता है प्रीलिमिनरी सेक्शन नंबर वन एंड सेक्शन नंबर कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना क्लियर है चैप्टर से याद हो गई अभी कुछ सेक्शंस भी हमने याद किए थे फटाफट फ़ड़ मुझे सेक्शंस के नंबर बोलो पहला तो हमने सबसे पहले याद किया था फॉप फोटिशन फॉर फॉप फोटिशन फॉर फटाफट लिखो कमेंट्स के अंदर फॉप फोटिशन फॉर फॉप फोर्टी सेवन फॉर मारूंगा मैं कमेंट में आके मारूंगा सबको याद रखना जिंदगी के अंदर सेक्शन फोर फोर्टी सेवन फॉर फ्रॉड जबरदस्त जिंदाबाद टू सेक्शन नंबर ट्वेंटी किसका है बोले एक बार कंपनी का डेफिनेशन टू सबसेक्शन सिक्सटी सेवन दैट इज डेफिनेशन ऑफ द

ट्रांसफर ऑफ शेयर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी क्लियर तो आई गेस नौ के नौ याद होंगे नौ कैरेक्टर में से तीन तीसरे कैरेक्टर पे हम थे दो लेक्चर से हम तीसरे कैरेक्टर पे चल रहे क्योंकि मैं बहुत सारे बेसिक पढ़ा रहा हूं एट द सेम टाइम हम केसुलस भी याद कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने पहला कैरेक्टर देखा था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन दूसरा था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तीसरा था सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी याद है सबको सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग 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 नहीं सॉरी सॉरी आई एम वेरी नहीं कंपनी अलग और पर्सन अलग ठीक है एक ही पर्सन कंपनी के में अंदर मेंबर भी हो सकता है क्रिएटर भी हो सकता है डायरेक्टर भी हो सकता है एम्प्लॉय भी हो सकता है एम्प्लॉय कंपेंसेशन का एग्रीमेंट भी हो सकता है और सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए हमने दो केस लॉस पढ़े थे पहले केस का नाम था सालो सालो सालोमन वर्सेस सालोमन बोल रहा हूं मैं गाली नहीं दे रहा हूं मैं ऐसे कैसे गाली दे सकता हूं तुम क्यों ऐसे सोचते हो मैं गाली दूंगा तुमको सालो मन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी ठीक है कभी भी अगर तुम्हारा कोई दिमाग मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी दिमाग खराब हो जाए कोई झगड़े वगड़े हो जाए और गाली देनी है तुमको तो वल्ला सालो

Uh, काम कर रहा था और अगर उसको कोई परमानेंट वगैरह डैमेज होता है मिस्टर सल्लू गेट परमानेंटली डैमेज है तो उसका डैमेजेशन का एग्रीमेंट था एट द सेम टाइम सल्लू ने एच लिमिटेड के अंदर क्रेडिट मतलब लोन देकर रखा था डिवेंचर होल्ड करके रखे थे पांच करोड़ के दो और भी क्रेडिटर्स थे एक था अभी जिसका दस करोड़ का क्रेडिट था और एक था विवेक जिसका पंद्रह करोड़ का क्रेडिट था ठीक है फिर मिस्टर सल्लू को परमानेंट डैमेज हो गया जिस वजह से कंपनी भी डूब गई बिकॉज ये एम्प्लॉय था अब सल्लू कंपनी से कंपेंसेशन भी मांगना चाहता है एंड एट द सेम टाइम सल्लू यह कंपनी से खुद का पांच करोड़ का क्रेडिट भी मांगना चाहता है फिर इसका मैंने आपको आंसर लिखने को बोला था आपने अजीब तरीके से आंसर लिखा था फिर मैंने आपको फॉर्मेट बोला था फिर आपने आई गई होमवर्क में फॉर्मेट में आंसर लिखा होगा आई होप सो जितने लोग 75, लोग लाइव है उन सब ने बाकायदा होमवर्क में आंसर लिखा होगा आई होप सो ठीक है तो आपने ये चीज करनी है अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना बेटा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी क्योंकि आपको आज गलतियां ही समझ में नहीं आएगी जब अब मैं आज आंसर लिख के दिखाऊंगा अगर आपने होमवर्क सच में नहीं किया होगा तो मैं फ्रेंकली बोलता हूं आपको आपकी गलतियां ही समझ में नहीं आएगी ठीक है ये होगा जो बंदा खुद एक सिंपल सी बात है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए आप अगर मेरी तकलीफ को समझ सकते हो तो प्लीज समझने की कोशिश करना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तकलीफ समझने के लिए लेट्स टेक एन कि कि अगर मैंने आपको बोला भैया गाड़ी चला के दिखाओ ठीक है अब तुमने गाड़ी चलाने की कोशिश की गाड़ी तुमने चला ली मुझे उसके अंदर कुछ दिक्कतें नजर आई या मुझे कुछ दिक्कतें नजर नहीं आई फिर तुम जैसे गाड़ी चला रहे थे तुमको लग रहा था तुम बहुत अच्छे से चला रहे हो फिर मैंने एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर को बुलाया और मैंने उसको बोला कि गाड़ी चला के दिखा। उसने उस तुमसे कम समय में और तुमसे अच्छी टेक्निक लगा के गाड़ी चला के दिखाई अब जब तक तुम खुद गाड़ी चला के नहीं देखते और तुम उसका गाड़ी चला देखते तुमको खुद की गलती का अंदाजा नहीं होगा ठीक है तुम जब खुद गाड़ी चलाना जानते हो और उसको देखोगे तो तुमको गलती का अंदाजा होगा एक सिंपल सी बात है पहले तुम गड्ढे में गिरोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यहां गड्ढा था तुम गड्ढे में गिरोगे ही नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा यहां गड्ढा था मैं उस गड्ढे को सरपास करके निकल जाऊंगा अगर तुमने खुद ने नहीं लिखा होगा तो।, तो और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया मेरे को फोटो निकाल के भेजे कि सर ये हमारा आंसर है चेक कीजिए ठीक है मैं आज सबको आपको एक चीज बोल दूं ठीक है प्लीज बड़े अच्छे समझना बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं आपके अंदर यह चीज ढालना चाहता हूं यह बहुत अच्छे से समझना अपने बच्चों ठीक है बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ठीक है ध्यान देना अच्छे से एक चीज होती है बेटा रीडिंग और एक चीज होती है रियलाइजेशन क्या मुझे इस चीज का जवाब कोई दे पाएगा कि आपकी स्टडी कब कंप्लीट होती है मुझे इस चीज का जवाब कोई दे पाएगा आपकी स्टडी कंप्लीट होती है सिर्फ पढ़ने से आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी या रियलाइजेशन से आपकी स्टडी कंप्लीट होगी बताइए मुझे जरा फटाफट कमेंट्स में बताइए कि सिर्फ पढ़ने से से आपका आपका स्टडीज खत्म खत्म हो जाएगा या रियलाइजेशन स्टडी होगा रियलाइजेशन इज एज गुड एज एक्सपीरियंस ठीक है रियलाइजेशन इज एज गुड एज एक्सपीरियंस तो मुझे बताओ सिर्फ रीडिंग से आपका स्टडी खत्म होगा या रियलाइजेशन से आपका स्टडी खत्म होगा बहुत बढ़िया बेटा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं रियलाइजेशन मतलब आप एक चीज तो समझते हो एक्सपीरियंस से आपका स्टडी खत्म होगा रीडिंग से, से तो खत्म नहीं होगा रीड तो सब लोग करते हैं पास वो होता है जिसका एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होता है अब मुझे एक बात बताइए एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए एक्सपीरियंस माइल्ड होना चाहिए एक्सपीरियंस माइल्ड होना चाहिए माइल्ड पानी जैसा मुझे एक बात बताओ तुम नहाते हो ठीक है एवरी डे हो कंफर्म आई होप नहाते तो होंगे अच्छे से, everyday, हाँ, माना चल रही है, ये से खाली नहीं है मतलब गर्म पानी ना हो अब मुझे जवाब देना तुम हर रोज नहाते होंगे ठीक है अगर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल वार्म है नॉर्मल वार्मरेचर है इट व्रिएट एक्सपीरियंस पानी का टेम्परेचर एकदम ठंडा है बहुत चिल्ड पानी है और तुम नहा रहे हो बर्फ बन जाओगे तो एक्सपीरियंस बनेगा तुमको दो साल तक याद रहेगा साला यार मैं उस दिन नहाया था मेरी फट गई थी मेरी वाट लग गई थी क्यों बहुत ठंडा पानी था यार ऐसी वाट लगी थी तुम लोगों को भी किससे सुनाओगे तुम किसी रेस्ट हाउस पे जा रहे हो समझो सामने स्विमिंग टैंक है अब पार्टी कर रहे हो और तुमने स्विमिंग टैंक में खुदी मारी पानी बहुत ठंडा है बहुत ज्यादा तो तुमको एक्सपीरियंस दो साल तक याद रहेगा सबको किससे सुनाते हो बोलोगे यार पानी इतना ठंडा था ना मजा नहीं रेस्ट हाउस पे बहुत मजा आया पर पानी ने तो बेटा जी फाड़ दी कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको हाँ है ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना क्लियर है है दूसरा अगर पानी बहुत गरम है, उबलता हुआ पानी है 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 हॉट वाटर क्लियर और अगर उसका मतलब आप नहाने गए ठीक है शॉवर आपने ऑन किया और एकदम तो चटके वाला पानी आँख पे गिर गया तो इट ऑल्सो क्रिएट एक्सपीरियंस तो एक चीज आपने याद रखना है एक्सपीरियंस कभी भी माइल्ड नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस ये जो चीज है ना ये हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए तो याद रहती है अगर एक्सपीरियंस स्ट्रांग नहीं रहा ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो सो एक्सपीरियंस शुड नेवर बी माइल्ड एक्सपीरियंस शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग और जितना आपका एक्सपीरियंस स्ट्रांग रहेगा ना उतना लॉन्ग टर्म में याद रहेगा आप लाइफ का कोई भी मेमोरी छान के देखो जो मेमोरी सबसे स्ट्रांग होगा वो आपको सबसे जल्दी याद आएगा सबसे स्ट्रांग मेमोरी आपको सबसे जल्दी याद आएगा कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो हम यहां पे अब जो बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो भेज रहे हैं इंस्टाग्राम में बच्चों ने मेरे फोटो भेज दिया सर हमारा आंसर चेक करके देखिए ठीक है मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा आप मेरे को फोटो भेज सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैं आपको बता भी सकता हूं पर इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा इसके अंदर मैं आपको चार पॉइंट बोलूंगा भैया चार पॉइंट ठीक कर ले हो जाएगा ना ये चार पॉइंट मैं आपको बोल दूंगा बट आई विल इंश्योर यू ये चार पॉइंट अभी आप सिर्फ सुन लोगे बिकॉज अभी आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो और लिसनिंग कर रहे हो रीडिंग कर रहे हो आज का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एवरी डे एक स्पेलिंग मिस्टेक कंफर्म है मेरा ठीक है मैं करता ही हूं ये शगुन है बिना स्पेलिंग मिस्टेक की मेरी क्लास कभी अच्छी जा ही नहीं सकती मैं ले ही नहीं सकता ठीक है सो आप अभी रीडिंग कर रहे हो और मैं आपको जब बोलूंगा ना ये तेरे आंसर में चार प्रॉब्लम है तो तुम लिसनिंग करोगे सिर्फ लिसनिंग करोगे मतलब सिर्फ सुनोगे हाँ यार मेरे आंसर में ये चार प्रॉब्लम सर ने बोले मैं ये नहीं चाहता आप प्रॉब्लम को सिर्फ सुनकर छोड़ो मैं क्या चाहता हूं कि अब मैं तुमको आंसर लिख के दिखाऊंगा अब मैं तुमको आंसर लिख के दिखाऊंगा और उस आंसर को खुद के आंसर से कंपेयर करके तुम रियलाइज करो उस आंसर को खुद के आंसर से कंपेयर करके तुम रियलाइज करो कि तुम्हारी गलती कहां हुई है बता तो मैं भी सकता हूं मेरे को बताने के लिए कोई तकलीफ नहीं है और मेरे टीम के पांच लोगों को बिठा दूंगा वो भी आपको बता देंगे कहां पे तकलीफ है लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं आंसर राइटिंग करूं उसको चेक करके आप खुद रियलाइज करो साला मेरी गलती यहां यहां हुई है और जब तुम ये खुद सोचोगे एक बात याद रखना आदमी रियलाइजेशन से जितना बढ़ता है ना उतना किसी के सजेशन से नहीं बढ़ता बिल्कुल नहीं बढ़ता आदमी रियलाइजेशन से जितना आगे बढ़ेगा ना उतना किसी के सजेशन से आगे नहीं बढ़ेगा तो अभी मैं आंसर लिख के दिखाऊंगा यू रियलाइज इट कि तुम्हारे से गलती क्या हुई है यू अंडरस्टैंड इट तुम्हारे से गलती क्या हुई है एंड आई विल एनश्योर यू तुम वो गलती वापस कभी नहीं करोगे सिर्फ प्योर मन से प्योर हार्ट से मान लेना कि मेरी गलती है दैट इज रियलाइजेशन उटमलेक्सपीरियंस of of के एक्सपीरियंस को accumulate करके उनको ना दोहराने का तरीका है एग्जाम इसीलिए होता है कि तुम जो, जो मिस्टेक उसको ना दोहराओ इसलिए किसी को, किसी को याद रखना मैं किसी को नहीं बोलूंगा उसका आंसर सही है गलत है मैं आपको हर बार बताऊंगा आंसर क्या है हर बार बताऊंगा ये आंसर होना चाहिए आपने उस हिसाब से चेक करना है कि आपने आंसर सही लिखा या नहीं लिखा है बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट ऑफ रीडिंग द प्रोसेस इज नॉट ऑफ लिसनिंग मिस्टेक्स देखो सिंपल सी बात है मैं आपको टिक 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 करके चार पॉइंट बोल दू मार्क्स भी दे दू ना तो आपको बुरा लगेगा मैं नहीं चाहता आपको बुरा लगे मैं चाहता हूं आपको रियलाइज हो कि आपकी मिस्टेक हुई है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो क्या हम आंसर राइटिंग करना शुरू करें बताओ मुझे फटाफट बच्चों क्या बताऊं मुझे कि हम आंसर राइटिंग करना शुरू करें आपको रियलाइज करना है या आपको सिर्फ पॉइंट्स चाहिए कि हमने यहां यहां गलती की या आपको सच में रियलाइज करना है कि नहीं सर मेरी सच में मिस्टेक हुई है क्या चाहते क्या हो यह भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए प्लीज <coughs> फटाफट -फड़ बताइए मुझे बहुत बढ़िया अब मैं आपको आंसर लिख के दिखाता हूं फैक्ट्स और फिगर्स थोड़ी इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने परसों सवाल लिखवा के दिया था मुझे अभी सवाल पूरा याद नहीं आ रहा है पर मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको आप बाकायदा अच्छे से समझिए ठीक है आई होप सो कि सब रियलाइजेशन के लिए रेडी है लेट स्टार्ट विद दिस मैं बाकायदा तुम्हारे पेज के जैसा एक मार्जिन ड्रॉ करता हूँ लेफ्ट साइड में तुम्हारा जैसा रजिस्टर का पेज होगा वैसा ही एक मार्जिन में ड्रॉ करके लिखता हूं सो दैट आपको एक्सपीरियंस आएगा ठीक है बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना इसके बाद जब आंसर आप लिखो तो आपने एक प्रोसेस मेरे हिसाब से कैरी करनी चाहिए जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में तो एक मार्जिन मिल ही जाएगा दिस इज लेफ्ट साइड मार्जिन ये आपको हमेशा मिलेगा और एक मार्जिन आपने खुद ने ड्रॉ करना है दो सेंटीमीटर पे राइट साइड से भी क्यों ड्रॉ करना है दो सेंटीमीटर राइट साइड से क्योंकि देखो बेटा आप आंसर जब लिखते हो तो आप आंसर लिख के चले जाते हो पर ऐसे 200-300 पेपर एक एक क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं एक सेंटर से 2000 पेपर इकट्ठा होते हैं ये पेपर किस तरीके से लोग हैंडल करते हैं किस तरीके से लोग इसको देखते हैं इसका कोई गारंटी नहीं और बाद में आप आंसर शीट क्लेम करते हो तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं हो सकता है कि भैया पेपर के कॉर्नर से आई विल जस्ट शो take it ये अगर आपका पेपर है ये आपका आंसर शीट है लेट्स इमेजिन दिस इज इफ साथ कुछ भी गलत हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी तो मतलब तो आपको उन्होंने देके रखी है पर इस साइड से भी एक दो मिनट सेंटीमीटर के मार्जिन आपने ड्रॉ करनी इसके बाद जब भी आंसर राइटिंग करोगे आपने आदत लगानी है कि दो सेंटीमीटर के मार्जिन हम राइट right साइड से भी ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड से तो है ही है हम राइट साइड से भी एक मार्जिन ड्रॉ करेंगे दो सेंटीमीटर की क्योंकि कभी अगर हमारा पेपर मिस हैंडल भी हो जाए ना और राइट साइड से उसको डैमेज हो जाए तो हमको हमारे आंसर को कहीं अंदर उसके अंदर डैमेज ना हो आइडिया क्लियर है अब मैं शुरू करता हूं जब भी आप कोई आंसर लिखो तो जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो ऐसे आपने आंसर लिखने चाहिए आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो ऐसे कोट करना है जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन और मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर ए ठीक है ऐसे ही कोट करना आपको जो मन में नंबर आए ना वो कोट करना दिस माइट बी सम इमेजिनरी नंबर दिस माइट बी सम इमेजिनरी नंबर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ए मैं लिख सकता हूं टू क्वेश्चन नंबर बी मैं लिख सकता हूं थ्री क्वेश्चन नंबर डी जो मेरी मर्जी होगी वो मैं यहां पर लिखूंगा ठीक है और ऊपर मैं उस सेम क्वेश्चन नंबर को रिपीट करूंगा दैट इज क्वेश्चन नंबर वन ए मैं वापस रिपीट करूंगा मैं क्लास वर्क में भी ये चीज करूंगा क्योंकि मैं एग्जाम के प्रिपरेशन यही से करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं लिखते वक्त लिखूंगा क्वेश्चन नंबर वन ए साइड में मार्जिन में और क्वेश्चन नंबर यहां पे भी अब आप पूछोगे सर जब यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया तो यहां पे मैं क्यों लिखू आंसर है बेटा इधर की मार्जिन कई बार आपकी अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो थ्रेड टाई करने में चली जाती है इधर की मार्जिन आपकी कई बार छुप सकती है थ्रेड टाई करने में या कोई चीज लिखने में या स्टेपल करने में किसी भी चीज में अगर आपके आंसर शीट के धागे निकले हुए हो तो आपको स्टेपल करना पड़ेगा जब आप स्टेपल करोगे तो यह मार्जिन छुप जाएगी वैल्यू और देख नहीं पाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखा है तो उसको तकलीफ ही मत दो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो यहां एक बार लिखना और पेज के सेंटर में एक बार लिखना ठीक है बाद में आप कोई और आंसर लिख रहे हो उसका भी क्वेश्चन नंबर आपने पेज के सेंटर में लिखना है तो यहां पे भी देखेगा यहां पे भी देखा इससे एक और चीज एंश्योर होगी कि आप क्वेश्चन नंबर गलत नहीं लिखोगे एक ही चीज दो बार थोड़ी ना गलत लिखोगे एक बार गलत लिखोगे गलती हो जाएगी करेक्ट करके इमीडिएटली दूसरी बार आप सही लिखोगे तो एंड में जो पांच दस मिनट में आप क्वेश्चन नंबर चेक करने वाले हो उसका समय भी आपका रिड्यूस हो जाएगा सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना मैं हर एक टिप दे रहा हूं मैं लिटरली एग्जाम लिखने की टिप लेक्चर नंबर दस से ही आपको दे रहा हूं क्योंकि अगले पचास साठ लेक्चर हमको यही प्रैक्टिस करना है आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं सो क्वेश्चन नंबर मैंने वन ए यहां पर लिखा एट द सेम टाइम आप जो चाहे नंबर इमेजनरी लिख सकते हो जब हम प्रैक्टिस करें रहे टू बी थ्री सी फाइव डी टेन वन जीरो कोई दिक्कत नहीं पर आपने यहां पे भी नंबर लिखना है यहां पे भी नंबर लिखना है क्लियर वन लैक फिफ्टी थाउजेंड एंड नाइनटी थ्री सी लिखो बिल्कुल लिखो कोई दिक्कत नहीं पर इतने सारे क्वेश्चन नंबर नहीं होते हार्डली 25 क्वेश्चन नंबर्स होते हैं तो थोड़ा लिमिट में एक लाख दो हजार अन पच्चीस सीमत करना नहीं तो सी बन जाओगे कंसर समझ में आ रहा है सी बनने की जरूरत नहीं यहां पे सिर्फ क्वेश्चन वन ए यहां पे मैंने सेंटर में भी लिख दिया अब मैं देखो आंसर किस तरीके से लिख रहा हूं थोड़ा सा अपन समय भी लगा लेते हैं मैंने आपको पंद्रह मिनट दिए थे आई विल स्टिक टू माईक्वेशन ठीक है मैं अभी शुरू कर रहा हूं दस बज के चौबीस मिनट पे दस बज के चौबीस मिनट में आई विल स्टार्ट विथ माई आंसर राइटिंग ठीक है लेट्स सी कितना समय मुझे लगता है लिखने के लिए क्योंकि मुझे भी अभी उतना ही नॉलेज सेपरेट लीगल एंटिटी का जितना आपको है सो आई विल स्टार्ट प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट में आई विल कोट सेक्शन नंबर नाइन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ब्रैकेट क्लोज पॉइंट नंबर वन द कंपनी Have nine different characters as per Justice Lindley. ये किसी ने नहीं लिखा होगा जस्टिस लिंडले ने नाइन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ठीक है पहली मिस्टेक तुम्हारी रियलाइज हो गई होगी अंडरलाइन कोलन सेक्शन नंबर नाइन जिसने लिखा होगा बहुत बढ़िया जिसने नहीं लिखा होगा उसकी से, पहली मिस्टेक वहां पर समझ में आ गई होगी ठीक है नाइन कैरेक्टर्स आउट ऑफ नाइन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज सेपरेट लीगल Entity, which means Company is separate person from its members, comma, board of directors, comma, employees. एक्सेट्रा एंड कंपनी हैव ओन एक्जिस्टेंस फुल स्टॉप पॉइंट नंबर थ्री अ सिंगल पर्सन सिंगल पर्सन मतलब एकदम पर्सनली फील मत कर लेना सिंगल बोला तो इतनी सिंगल पर्सन कैन बी मेंबर board of director and employee in one company at same time in one company at the same time clear eh? he can also have employee compensation एग्रीमेंट विथ कंपनी ये इतने पॉइंट मेरे को लिखने थे मैंने लिख दिए मुझे जितना लगता है मैंने लिख दिया इसके एडिशन में भी मैं ये बोलना चाहूंगा पॉइंट फोर इफ अ मेंबर इज क्रेडिटर ऑफ कंपनी हिज डेथ

मैं एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं छोड़ा है। बहुत सारे बच्चों ने एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त एक लाइन छोड़ा होगा छोड़ा भी होगा कोई दिक्कत नहीं पर नॉर्मली ना छोड़ तो अच्छी बात है इन द गिवन केस कोलन पॉइंट नंबर वन मिस्टर सल्लू हैव एन एंप्लॉयमेंट एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट So he is eligible, so he is eligible for compensation on permanent damage. Point number two, Mr. Sallu. Is also eligible to get funds or amount of loan or debenture held with company of rupees. 5 करोड़ मैंने इसको कंक्लूड कर दिया यहां पे नेक्स्ट वाली चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा पॉइंट नंबर थ्री सो कंटेंशन ऑफ मिस्टर अभी एंड विवेक इज नॉट राइट इन लॉ अब नॉर्मली मैं यहां पे लिख सकता हूं कंटेंशन इज रॉन्ग इन लॉ पर कंटेंशन इज रॉन्ग इन लॉ लिखना ये लीगल लैंग्वेज नहीं है हम हमेशा उसको पैसिवॉइस में लगते हैं हम ऐसा नहीं लिखते कंटेंशन कंटेंशन इज इज रॉन्ग हम लिखेंगे नॉट राइट इन लॉ थोड़ा लीगल लैंग्वेज कटा जाता है नॉट राइट इन लॉ नीचे में लिखूंगा केस लॉ मैंने एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं छोड़ा मैंने स्ट्रेट अवे कोट करना है केस लॉ अंडरलाइन कोलन सबसे पहला केस लॉ में कोट करूंगा सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जिसका अगर आपको केसला के नाम को अंडरलाइन करना है बहुत अच्छी बात है उनको समझ में आ जाएगा कि केसुआ लिखा है एक लाइन में डिसन मेंबर ऑफ कंपनी कैन ऑल्सो बी डेट होल्डर कैन ऑल्सो बी डेट होल्डर एंड इलिजिबल रीपेमेंट फुल स्टॉप पॉइंट नंबर टू ली वर्स ली एयर फार्मिंग लिमिटेड अंडरलाइन ठीक है डिसीजन लिखूंगा द मेंबर ऑफ द कंपनी

कोलन पॉइंट नंबर वन इट इज एडवाइजेबल टू मिस्टर अब तक बचपन दैट ही शॉल अलाउ कंपेंसेशन टू मिस्टर सल्लू एज वेल एज डेट शॉल बी पेड इन प्रपोर्शन अगर एक सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा तो प्रपोर्शन में पे नहीं किया जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा तो प्रायोरिटी में पे किया जाएगा पर मैं यहां पे यह मान रहा हूं सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है सो इन प्रपोर्शन टू मिस्टर अभी ब्रैकेट में मैं डेट लिखूंगा रुपीज टेन करोड़ एंड मिस्टर विवेक एग्जैक्टली मुझे अमाउंट नहीं पता परसों क्वेश्चन था इसलिए 15 करोड़ मुझे लगता है यही अमाउंट होंगे इन परसोंपोर्शन टू मिस्टर अभी एंड मिस्टर विवेक रुपीज टेन करोड़ एंड रुपीज फिफ्टीन करोड़ क्लियर है ये डेट पे करना है सल्लू के डेट अगर आपको मैं कंपेंशन टू सल्लू एज वेल एज डेट डेट के जगह पे भी आप एड कर सकते हो रुपीज फाइव करोड़ डेट ठीक है यह भी आप एड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैंने ऊपर एड कर लिया पॉइंट नंबर टू द कंटेंशन ऑफ मिस्टर अभी एंड मिस्टर विवेक यहां विवेक लिखना रह गया मिस्टर अभि एंड मिस्टर विवेक शॉल बी रिजेक्टेड बाय मिस्टर अब तक बचपन फुल स्टॉप ये मैंने एडिशनल एडवाइस दे दिया कि अब तक बचपन ने उनका कंटेंशन भैया पहले रिजेक्ट करना है ये जरूरी है नीचे सजेशन कंपनी ऑल्सो हैव अदर कैरेक्टर्स लाइक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन आर्टिफिशियल पर्सन यह शॉर्ट में जितना शॉर्ट में हो सकता उतना में है उतना शॉर्ट में बिकॉज सजेशन है सेपरेट लीगल एंटिटी हमने ऑलरेडी लिख लिया है परपेचुअल सक्सेशन पेन ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए एडजस्ट करना थोड़ा कॉमन सील ट्रांसफर ऑफ शेयर्स लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा आई गेस वो भी लिखूंगा लिमिटेड लाइबिलिटी सेपरेट ओनरशिप मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी फुल स्टॉप ये हो गया मेरा आंसर कंप्लीट मैं समय रिकॉर्ड कर रहा था दस बज के गेस कितने मिनट पे हमने शुरू किया था मेरे को भी याद नहीं है एनी वन कैन टेलमी ट्वेंटी एट मिनट्स वगैरह पे शुरू किया होगा हमने कितने मिनट्स पे शुरू किया था मैं खुद भूल गया मेरे को समय बताना कितने मिनट्स पे हमने शुरू किया था नियरली दस बज के थर्टी फाइव मिनट्स पे हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है और ये है मेरा आंसर ऐसा अगर आप लिखोगे देखो आंसर का लेंथ देखो नियरली बज के चौबीस मिनट पर शुरू किया था दस बज के पैंतीस मिनट पर हमने कंप्लीट कर लिया है आंसर नियरली हमारा और नियरली मैंने दस मिनट दिए है पूरे आंसर के लिए चौबीस मिनट पर शुरू किया था राइट ये सो नो सो दस बज के चौबीस मिनट पर शुरू किया पैंतीस मिनट पर खत्म किया ग्यारह मिनट मैंने आंसर को दिए है और बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ठीक है इतना लेंथ ऑटोमेटिक हो गया मेरे को लेंथ को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी फटाफट 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 जितनी चीजें मैंने कोट करनी थी सब चीजें मैंने बकायदा कोट की है इस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो मैंने आपको दिए थे पंद्रह मिनट मेरा ग्यारह मिनट में ही हुआ इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए चीज़े, कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए बीच में पेन खराब हो रहा था बीच में यह चीज़ हो रही थी तो मेरे को ऐसा लगता है एक मिनट में और शायद सेव कर सकता था अगर मैं इसको और फुल फॉर्म में लिखता ना एक्सप्लेन करता और सिर्फ लिखने बैठता तो ऊपर से मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं है इतने दिनों से मैं तो अभी सिर्फ इसके ऊपर ही लिखता हूँ लैपटॉप के ऊपर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो मुझे कहीं ज्यादा अच्छी होगी सो यू कैन ऑल्सो सेव दैट टाइम अब मुझे एक बात बताओ आंसर लगा कैसा ओवरऑल आंसर देखिए और मुझे बताइए लगा कैसा और ये रियलाइज कीजिए कि आपने कहां कहां मिस्टेक किया है ठीक है आंसर आपने देखना मैंने मार्जिन ड्रॉ भी नहीं किया अब नीचे मार्जिन भी नहीं था तो भी आंसर लिमिटेड कंटेंट के अंदर मैंने फिनिश किया है अगर मार्जिन ड्रॉ करता तो आई गेस इससे भी बेटर दिख सकता था दूसरी बात मेरे आंसर में किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैंने कहा क्या लिखा है मैंने फटाफट फटाफट चार पॉइंट कोट किए नीचे एक्सप्लेनेशन में पॉइंट कोट किए दो केस कोट किया आंसर में दो पॉइंट कोट किया सजेशन दे दिया हालांकि मैं सजेशन भी कट करता तो एक मिनट में वहां पर भी रोक सकता था मतलब नियरली से नौ के अंदर आंसर में कंप्लीट कर सकता था अगर बकायदा पेपर लिखने के ऊपर मैं बैठा रहता तो सो ये चीज पता लगना चाहिए पता होना चाहिए मुझे बताइए आंसर कैसा लगा आपको बहुत उल्टा पुलटा दिखा है आपने या मैंने किसने उल्टा पुल्टा लिखा है मैंने तो मेरे को नहीं लगता मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है मैंने बहुत लाइन से बहुत ईमानदारी से बहुत इज्जत से आंसर लिखा है ठीक है अगर आपको अब आपकी गलती समझ में आ रही होगी सर स्पीड को कैसे फास्ट करें आंसर लिखते हो एक सवाल आया है सर आंसर लिखते हो स्पीड को कैसे फास्ट करें ये ऐसे ही फास्ट नहीं होगा ये फास्ट होगा जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ये अभी का गेम नहीं है ये पूरे साठ लेक्चर्स का गेम है आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा तब जाके स्पीड फास्ट होगा ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा साठ लेक्चर्स के अंदर आपका ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगा ये चीज भी आपको याद रखना चाहिए और कंटेंट को आप देखिए मुझे एक बात बताइए अगर ये सवाल आपको नियरली पूछा गया है

<laughs> चार से पांच पॉइंट मिस हो गए <laughs> इस तरीके से बच्चों आपने आंसर लिखना चाहिए दिस इज हाउ यू शुड राइट आंसर अब हमारा डिफरेंस क्या है हमें करना क्या है मैं आज आपको बता दू हमें करना क्या है आपने जो आंसर लिखा उस आंसर से हमें इस टाइप के आंसर तक पहुंचना है अगले पचास साठ दिन में यही हमारा जर्नी है जिस दिन आप ऐसा आंसर लिखने के लिए काबिल हो जाओगे ना उस दिन आपने सोच लेना समझ लेना कि पासिंग्स के मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे और आपको वैसे ही दे देगा पासिंग के मार्क जब आप इस क्वालिटी का आंसर लिखोगे देखो नंबर क्रिएटिंग और आप एक चीज शायद मेरी नोटिस किए नहीं नोटिस किए आपने बड़े अच्छे से याद रखना मैं नंबर के नीचे ना स्पेस खुला छोड़ता हूं नंबर के नीचे की स्पेस पूरी खुली छोड़ता हूं मैं हमेशा इससे क्या होता है मेरा नंबरिंग हाईलाइट होता है मेरा हेडिंग और मेरा नंबरिंग हाईलाइट होता है देखो मैंने नंबर के नीचे की स्पेस हमेशा खुली छोड़ी है दिस हाईलाइट योर नंबरिंग पोजिशन अगर आप सब पॉइंट भी लिख रहे हो देखो मतलब मेरे नंबरिंग के नीचे कभी मेरा टेक्स्ट नहीं जाएगा चीज आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है अब मतलब वैल्यूअर को दिखते हूं आप देखना फॉर्मेट ऑफ आंसर मेरी हैंडराइटिंग आपसे गंदी है मैं माना आप में से कई सारे ऐसे लोग जिनके हैंडराइटिंग मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी होगी मेरी हैंडराइटिंग आपसे गंदी है बट फिर भी मैं बोलता हूं कि मेरा आंसर दिखने में आपसे अच्छा दिखेगा बिकॉज सिंपल फैक्ट्स एंड सिंपल थिंग्स दैट आई एम डूइंग आई एम फॉलोइंग फॉर्मेट इन वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर आप पूरा आंसर देखो अगर मार्जिन रहती मार्जिन नहीं है फिर भी ऐसा दिख रहा है मतलब इसी फॉर्मेट पर से इतना बर्ड आई व्यू इतना जूम आउट करने के बाद भी दिख रहा है कि दर्शन सर के नंबर अलग लिखे हैं दर्शन सर के हेडिंग अलग लिखे हुए हैं और दर्शन सर के आंसर अलग है और केस लॉज को भी अंडरलाइन किया ये जूम आउट करने के बाद भी दिख रहा है ऐसा अगर आप व्यू क्रिएट कर सकते हो ना आपके आंसर का मुझसे लिख के ले लो किसी की हिम्मत नहीं है मेरी भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं आपका एक मार्ग भी काटू कोई काट ही नहीं पाएगा यह चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना लैंग्वेज देखो मेरी लैंग्वेज कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज लीगल वाली लैंग्वेज नहीं है आप देखो मेरी लैंग्वेज नॉर्मल वाली ही लैंग्वेज है सिर्फ जहां जहां लगता है मैं लीगल टच दे सकता हूं मैंने लीगल टच दिया है मैंने मेरे ही लैंग्वेज में लिखा है ठीक है लेकिन हो सकता है दस साल से मैं लॉ पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी लीगल टच वाली लैंग्वेज मेरी आपको लग रही है पर आप इसी कंटेंट को अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है बच्चों आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे क्लियर है अब मैं चाहूंगा इस आंसर को भी आप लिख के रखिए समय जाएगा पर इस आंसर को लिख के रखिए कि दर्शन सर ने लिख के दिया है इस लेवल पे को पहुंचना है आपके आंसर से आपको मेरे आंसर पे आना है जिस दिन ये हो जाएगा ना चालीस मार्क आपको कभी भी मिल जाएंगे फिर कंटेंट याद करना ये एक ही टास्क बचेगा ठीक है अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक ठोके आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि मैं बहुत दिल से आंसर लिख के आपको दिया हूं तो दिल से ही आपने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए प्लीज गो फॉर इट ये अगर मैं सिक्स मार्क्स का सवाल बोल रहा हूं बेटा तो हर एक क्वेश्चन के अंदर वन पॉइंट सिक्स मिनट सवाल आप अगर पूछ रहे हो कितने टाइम में आंसर लिखना चाहिए तो एक इक्वेशन आपने याद रखना एक मार्क के लिए आपको टाइम लगना चाहिए वन पॉइंट सिक्स मिनट एक मार्क के लिए एक पॉइंट सिक्स मिनट एग्जाम में मिलता है तो अगर यह सवाल मैं मान रहा हूं पांच छह मार्क का अगर होगा तो ऑन एन एवरेज मुझे नौ दस मिनट मिलने चाहिए मैंने उतने ही यूटिलाइज किए राइटिंग अच्छी है यशिका फर्स्ट पर्सन मैं जिंदगी में जो बोल रहा है मेरी राइटिंग अच्छी है थैंक यू सो मच बेटा लैंग्वेज डिफरेंट हो गई अनिश का कोई दिक्कत नहीं बेटा थैंक यू सो मच गाइस पूरा आंसर आपको लिखने के लिए मिलने वाला है सो so टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा नहीं बेटा अपप्लीकेबिलिटी में नहीं लिखना है आपने प्रोविजन में ही ब्रैकेट में कोट करना है सेक्शन नाइन ऑफ कंपनीज एक्ट में जहां जो चीजें बोल रहा हूं ना सभी ने याद रखना साक्षी बेटा आपने भी याद रखना कि मैं जहां जो चीजें बोल रहा हूं ना आप वही कोट कीजिए इसको आप चेंज ना कीजिए बिकॉज आप जहां चेंज करोगे ना वहां आपका हर बार मन डोलता रहेगा कि मैं इसको चेंज करके और बेटर बना सकती हूँ मैं आपको बोलता हूँ दिस इज अ फॉर्मेट जिसमें आपको ढलना है दिस इज अ प्रोडक्ट जिसमें आपको ढलना है इसके अंदर प्लीज क्रिएटिविटी ना दिखाना फेस टू फेस क्लासेस अभी तो नहीं आयुषी ये अगस्त सितंबर में शुरू होंगे बेटा चिराग मस्त बेटा फाउंडेशन में लॉ में मैंने बताया था सेम फॉर्मेट इसी तरीके से लिखना है करके <laughs> प्रद्युप ने बेटा हैंडराइटिंग से वैसे भी इतना फर्क नहीं पड़ता हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज को आपने याद रखना मैं इतनी हैंडराइटिंग खराब होने के बावजूद भी पास हो चुका हूं तो आप तो कभी भी हो सकते हो मैं सभी पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा शुभम फिलहाल पहले लिख लो एक बार एक चीज लिखते लिखते आपने यह भी करना मेरे आंसर से खुद के आंसर को कंपेयर करना एक बंदे ने यहाँ पे बहुत जेन्यून कमेंट किया है दीपेश अग्रवाल ने मेरे को बहुत अच्छा लगा सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे 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 बोलता है है को ऐसा लगता आंसर के हिसाब से मुझे एक ही मार्क मिलेगा ये है रियलाइजेशन मैं ये चाहता हूं तो सब लोग जितने 88, 89 लोग हैं ना सब लोग ये रियलाइज करके खुद को मार्किंग दे ये मेरे आंसर को कंपेयर करें कि इसको फुल मार्क मिलने वाले हैं तो आउट ऑफ फाइव चलो फाइव लेते हैं आउट ऑफ फाइव आप खुद के आंसर को कितने स्टार दोगे ये सिर्फ कमेंट में डालिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको रियलाइज हो रहा है सभी अस्सी नब्बे लोगों का मेरे को सबका चाहिए अस्सी नब्बे कमेंट्स भी आए ना आई विल बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड कि जो मैं करना चाहता हूँ रियलाइजेशन का मेथड वो आपको हो रहा है ये जो शुरू किया है मैं दीपेश अग्रवाल मैं आपको कही बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने ये लिखना तो भी शुरू किया अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं बट आप ये रियलाइज कीजिए कि पांच में से आपको आपके आंसर के लिए कितने मार्क मिलेंगे अगर इसको पूरे पांच मिलने वाले हैं तो ठीक है प्लीज गो फॉर इट और इसको भी पांच नहीं मिलेंगे इसको साढ़े चार ही मिलेंगे मेरे हैंडराइटिंग गंदी है तो आप पांच के हिसाब से कितने मिलेंगे मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, रियलाइज करके बताइएगा कि आपको कितने एज अ वैल्यू और आप एक व्यू देखिएगा। देखिएगांट साढ़े तीन मार्क आर यू श्योर आंसर एक बार वापस से देखिए बेटा आपने इसी फॉर्मेट में लिखा है करण मुझे बताइएगा प्लीज दो मार्क्स आयुषी मेरे को फाइनल मार्क्स चाहिए बेटा कंटेंट वाइज और राइटिंग वाइज नहीं खुद को कोई रीजन नहीं देना है मेरे को मार्क्स चाहिए राधिका एक मार्क विधि ढाई मार्क राम दो मार्क राधिका दो से तीन स्टार्क दो मार्क दो तीन मार्क ढाई मार्क दो मार्क ढाई मार्क, दाई मार्क, दाई मार्क तीन मार्क ढाई मार्क दो मार्क चलो आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको कम मार्क्स मिलने वाले हैं दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस बच्चों लिखो फटाफट आंसर केस लॉ का ईयर लिखना जरूरी नहीं है बेटा संकेत मैंने उसी दिन बोला था सिर्फ पिटिशन और डिफेंडेंट ईयर और सुप्रीम कोर्ट अगर आपको याद है कोर्ट याद है तो आप लिख सकते हो पर उसको अवॉइड करो गलत मत लिखना तीन से साढ़े तीन मार्क बहुत बढ़िया आशीष ओके okay, कोई दिक्कत नहीं एक्सप्लेनेशन नॉर्मली शॉर्ट रखना बिकॉज एक्सप्लेनेशन में हम कंटेंट ही बोलते हैं जो क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन का कंटेंट आप रिपीट ना करो एक्सप्लेनेशन में ये चीज को आपने याद रखना हमें एक्सप्लेनेशन में आंसर लिखना है हमें उनका कंटेंट रिपीट नहीं करना है हाँ फाउंडेशन में एक क्वेश्चन था हम देखेंगे उसको डोंट दी वो आगे भी है फाइनल पे इंटर पे जरूर बेटा आयुषी मेरे को भी यही होप है चर्डन केसुला में सिर्फ कोर्ट का डिसीजन लिखना है उमंग बेटा फैक्ट्स डिस्कस नहीं करने हैं जिसका रह गया वो प्लीज स्क्रीनशॉट खींचिएगा पहले स्क्रीनशॉट खींच के रखिए अगर रहेगा तो लिख पाओगे आदर्श नालायक यहां हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं पार्टी की हो तुम्हें जिंदगी में वेलकम बेटा शिवम इनडायरेक्ट टैक्स की विशाल सर कर रहे हैं आज दो बजे है कल आएगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की बैच आपकी बारह बजे से होगी हर्षित बेटा मेरे को एक्जैक्टली exactly फीस याद नहीं है आप वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम के ऊपर प्लीज चेक कीजिएगा आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस हम खुद लेने वाले हैं बेटा दीपेश ये पंद्रह लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे आज का दसवा लेक्चर है पांच दिन बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग नियरली शुरू करेंगे पांच छह दिन बाद लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप जब एडमिशन ले लोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरी फीस दूसरों से फिलहाल कम इसलिए रखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर पाए ठीक है कम फीस बहुत सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए हमने रखी है जितना आप अफोर्ड करोगे उतना अच्छा है ना और चीजें इतनी भी महंगी नहीं होनी चाहिए कि अफोर्ड ना कर पाए हाँ फाइनल की मेरी फीस दस बारह हजार जाती है क्योंकि आप फाइनल पे हो तब और तब कंटेंट भी बहुत बड़ा होता है तीन घंटे साढ़े तीन घंटे का एक लेक्चर होता है ऐसे साठ सत्तर लेक्चर लेने पड़ते हैं यहाँ दो घंटे का ही लेक्चर है सत्तर लेक्चर्स है सो तो उसके हिसाब से फीस भी अफोर्डेबल रखते हैं अगर आपने ऑलरेडी ड्राइव परचेस कर लिया है तो आई विल डू इट फ्रॉम हियर कि आप लाइव स्ट्रीमिंग वाले लेक्चर्स भी देख पाओ बिल्कुल परचेस कर सकते हो प्रेम चौधरी कोई दिक्कत नहीं है पेन ड्राइव में पार्ट पार्ट में सभी लेक्चर्स आएंगे क्योंकि जैसे जैसे रिकॉर्ड होंगे वैसे वैसे प्रोवाइड किए जाएंगे पहले पेन ड्राइव में आपको नियरली 20-25 लेक्चर्स आएंगे फिर दूसरे पेन ड्राइव में 20-25, फिर तीसरा पेन ड्राइव ऐसे इससे बेटर यह रहेगा साक्षी अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में आओ और घर पे वाईफाई हो तो दैट विल हेल्प यू अलॉट लाइव स्ट्रीमिंग का टाइमिंग में डिक्लेयर करूंगा नॉर्मली यही होगा हम यही टाइमिंग रखने की कोशिश करेंगे हाँ जो लोग भी ड्राइव लेक्चर्स परचेस कर रहे पेन ड्राइव लेक्चर्स परचेस कर रहे हैं हम उनको लाइव स्ट्रीमिंग देने की कोशिश कर रहे हैं इसको मैं कल या परसों के लेक्चर के अंदर कन्फर्म करूंगा ठीक है ओके तो फिर राधर आपने फिर गूगल ड्राइव लेक्चर लेने चाहिए साक्षी तो डेली आप मोबाइल डाटा से भी एक लेक्चर डाउनलोड कर पाओगे 600-700 एमबी का एक लेक्चर होता है तो डेली आप मोबाइल डाटा से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर वो डेली डाउनलोड करके आप गूगल ड्राइव वाले लेक्चर लो तो बेटर रहेगा फिर आपको पेनड्राइव का भी इशू नहीं आएगा प्रेम चौधरी हाँ कर सकते हो वहां से मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है बैच कब तक जाएगी तो आप ऐसा समझ लो सेवेंटी लेक्चर है तो ये मार्च मिड तक जाएगी ठीक है क्योंकि अभी हम हमने दस लेक्चर कंप्लीट किया आज का ग्यारह तारीख है तो मार्च मिड तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ रिवीजन एवरीथिंग मतलब ऐसा होगा कि इसके बाद में भी आप अगर चाहो तो उस दिन पेपर देके भी 40 मार्क ला सकते हो ड्राइव अगर दुर्गा सी अंडरस्टैंड सबने इसको याद रखना जिन लोगों ने ड्राइव लेक्चर्स परचेस कर लिया हम उनको भी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देने वाले हैं ठीक है ठेके? तो उनको लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा आप फिर लाइव स्ट्रीमिंग पे करोगे तो कुछ ही लेक्चर्स फिर आपको बैकअप में प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है दुर्गा जोशी पहले पंद्रह लेक्चर्स तो अवेलेबल रहेंगे फिर डेली जैसा लेक्चर रिकॉर्ड होगा दूसरे दिन वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल रह जाएगा डोंट वरी कैन को मे से चेंज कर सकते हो लेकिन नॉर्मली नहीं करना शॉल से चेंज करना <laughs> बहुत बढ़िया बेटा आदर्श चल लिखना हो गया सबका आई होप सो हो गया होगा पीबी पीबी बिट्स आप ऑनलाइन ड्राइव लेक्चर ले लो पेन ड्राइव का ऑप्शन तो है ही पर पेन ड्राइव आपको दो तीन पार्ट में मिलेगा तो आपको हर बार पेन ड्राइव शिप्ट करना पड़ेगा उससे बेटर आपका ये ऑप्शन रहेगा गूगल ड्राइव लो वैसे भी आप इंटरनेट के ऊपर ये लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको 600-700 सौ एमबी यूज करके नॉर्मल गूगल ड्राइव से भी आप लेक्चर डाउनलोड कर पाओगे वो लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आएंगे बेटा 15 लेक्चर्स के बाद में लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे मोबाइल डाटा के ऊपर चिराग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए डिपेंड मत रहना आई डाउट सो कि मोबाइल डाटा के ऊपर आपका लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा क्या आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा क्या चले तो बहुत ही अच्छा है बट मेरे को डाउट है इस चीज के ऊपर तो थोड़ा वाईफाई वगैरह रहे तो अच्छी बात रहेगी दिल्ली में है लक्ष्मीनगर में हमारी क्लासेस है वी स्मार्ट का सेंटर है लिख लिया सबने हो गया होगा तो मुझे प्लीज डन सर करके बताइएगा नहीं हुआ तो भी कमेंट कीजिएगा प्लीज YouTube पे पहले पंद्रह लेक्चर्स परमानेंटली अवेलेबल रहेंगे साठ सेंटर बेटा ऑल ओवर इंडिया अब क्या बताओ कहां, कहां है हम करेंगे बेटा, का हम करेंगे, जिसमें सफिशियंट नंबर ऑफ लेक्चर्स बैकअप में अवेलेबल रहेंगे जो आप कभी भी देख पाओगे अपडेटेड क्वेश्चन बैंक अभी हम फेब्रुवरी में रिलीज करेंगे अतुल बेटा गूगल ड्राइव में तुषार लाइव नहीं है गूगल ड्राइव लिंक रहेगा बेटा चलो हो गया सबका लिखना आई होप सो हो गया होगा नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए मैं आगे बढ़ रहा हूं बड़े अच्छे से ध्यान देना अच्छा अब ये आंसर तो मैंने लिख लिया पर कुछ मेन पॉइंट्स मैं बोलूं जो मैंने इस आंसर को लिखते वक्त खुद के दिमाग में रखे थे क्यों मेरा कम समय में इतना अच्छा आंसर बना इसके पीछे के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल दूं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हद इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो अच्छे से ध्यान देना मरने के बाद भी जलने के बाद भी कबर के अंदर भी आपको पॉइंट याद रहने चाहिए क्लियर है कभी अगर तुमको मैं आके तुम्हारे खबर पे पूछू ए, ए, ए तुम सोयो अंदर मैं कभी आके पूछू ए उठे उठ 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 बता मेरे को मेन पॉइंट्स क्या है तो उठकर तुमने बोल देना है पॉइंट नंबर वे पॉइंट टू ये पॉइंट थ्री पॉइंट फोर यह बोल दिया तुमने फिर सो जाना वो तुम्हारे ऊपर मिट्टी मैं डालेगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्लियर है एंसर तो मरने के बाद भी जलने के बाद भी कबर के अंदर भी तुमको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कलर पेन का मैं चेंज कर चुका हूं रेड कलर ले चुका हूं रेड हार्ट कलर ले चुका हूं फॉर द पर्पज आप इस चीज को सीरियसली लो पहला पॉइंट मैं जब प्रोविजन कोट करूंगा मैं जब प्रोविजन कोट करूंगा तो मैं टू द पॉइंट प्रोविजन कोट करूंगा देखो एक चीज में यहां कर सकता था मैं यहां के यहां पे भी नौ कैरेक्टर लिख सकता था पर मैंने यहां नौ कैरेक्टर नहीं लिखे मैंने पिन पॉइंट उस कैरेक्टर के ऊपर हिट किया है जो मुझे यहां पे चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने मेंशन जरूर किया नौ कैरेक्टर होते हैं इसलिए मेंशन करना जरूरी है कहीं वैल्यूअर को डाउट ना है कि इसको कैरेक्टर के नंबर नहीं पता या कैरेक्टर पूरे नहीं पता तो पहले लाइन में मैंने वैल्यूअर को सेटिसफाई कर दिया सुन भाई नौ है पर मैं समय बर्बाद नहीं करने वाला नीचे मैंने जो काम का कैरेक्टर है वो लिखा है दूसरा प्रोविजन में ऐसे एक दो पॉइंट आपने डालने हैं जिसके तरफ आंसर इंटेंडेड है जैसे यहां पर देखो मैंने आंसर में डाला है कि भैया एम्प्लॉय का कंपेंसेशन एग्रीमेंट है उसको देना चाहिए क्रेडिटर का ड्यूज है तो उसको देना चाहिए दो पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली लिखे हालांकि ये पॉइंट लिखने के बाद मुझे दो पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने लिखा क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा है तो टू द पॉइंट आपने लिखना चाहिए वो पॉइंट आपने लिखना चाहिए पॉइंट ऑन विच क्वेश्चन इज आस्ट क्वेश्चन इज आस्ट ये आपने यहां पे लिखना चाहिए तो आपका आंसर सही रहेगा सो so, पहला रूल है टू द पॉइंट और दूसरा रूल है वो भी पॉइंट लिखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बाकी कोई रिलेवेंट चीज लिखने की जरूरत नहीं बाकी आपको जो भी याद आ रहा है वो सब सजेशन में ठोकना लेकिन रिलेवेंट चीज ठीक है ये होने के बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन में जाता हूं तो एक्सप्लेनेशन का मेरा थम रूल क्या है एक्सप्लेनेशन का थम रूल क्या है एक्सप्लेनेशन का थम रूल क्या है डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन डू नॉट रिपीट क्वेश्चन

फॉर गेम ओवर क्योंकि में और नीचे सो so right मिसेक छोड़ दिया उनके फैक्ट को मैंने तो लिखा अगर पढ़ने जाकर क्वेश्चन पड़ा समय यहां पर बर्बाद नहीं करूंगा डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन क्लियर है जस्ट यहां पर आपने यह करना है ट्राई टू एक्सप्लेन यूर आंसर ओनली एक्सप्लेन यूर आंसर ओनली ठीक है केस लॉ के अंदर अब मेरा थम रूल क्या है केस लॉ में मेरा थम रूल बहुत सिंपल है में. और भी वो जो में पूछा गया है हालांकि ये दोनों केसेस में बहुत सारे डिसीजन है जैसे मेंबर कैन बी एन एम्प्लॉई एज वेल एज डिरेक्टर सेपरेट पर्सन कैन वर्क ऑन इट्स ओन मैंने ये सब फपट पसार नहीं लिखा कोई फालतू चीज नहीं लिखी सीधा मेंबर कैन बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सो एलिजिबल फॉर द कंपेंसेशन मेंबर इज ऑल्सो क्रेडर ऑफ द कंपनी सो एलिजिबल फॉर रिपेमेंट मेंबर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सो एलिजिबल फॉर गेम में एक लाइन में बात खत्म क्लियर है ये कंपनी सेपरेट एंटिटी है फलना है ढकना है ये अपने को मालूम है पर वहां लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में मैंने जो पूछा आंसर टू द पॉइंट आंसर टू पॉइंट ज आस्ट इन क्वेश्चन वॉट इज आस्ट इन क्वेश्चन आधे बच्चे यहां मिट्टी खाते आधे एट्टी परसेंट बच्चे यहां मिट्टी खाते पूछा अब तक बचपन को सजेशन क्या देना है तुम क्या लिख रहे हो कि नहीं भैया सल्लू को पैसा मिलेगा अरे पूछा ही नहीं है सल्लू को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या पूछा अब तक बचपन को क्या सजेशन देना है तो मैंने अब तक दोनों जगह लिखा अब तक बचपन को यह एडवाइस है मिस्टर सलू का पैसा वापस दे उसको कंपेंसेशन दे और अब तक और वो भी प्रपोर्शनेटली अब तक बचपन को यह भी एडवाइस है कि भैया अभी और विवेक को बोले कि उनका कंटेंशन गलत है पॉइंट वॉट इज आस्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा है और सजेशन में आपने देखना मैंने सिर्फ रिलेवेंट लिखा है सजेशन नहीं लिखा एक बात बार चलता सजेशन इज ऑप्शनल सजेशन नहीं लिखाना चलेगा पर गलत सजेशन लिख के ना मिट्टी मत करके आना पूरे आंसर के नहीं आपको याद आ रहा कोई पॉइंट मत लिखो सजेशन कोई ये नहीं है जबरदस्ती नहीं है मत लिखो सजेशन एडिशनल चीज है मत लिखो सजेशन लेकिन रिलेवेंट लिखो अगर लिखना है रिलेवेंट लिखो ये थम रूल आपने याद रखना मरने के बाद भी जलने के बाद भी कबर के अंदर भी मैंने जब मैं ये कोई चीज कोट करता हूं तो मेरे दिमाग में यही चीज चालू रहती है मैं जब प्रोविजन कोट करता हूं ना मैं हर पॉइंट लिखने के पहले पांच बार खुद से पूछता हूं मन के मन में ये प्रोसेस हो जाता है ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ भी अगले साठ लेक्चर के अंदर यह होगा कि मैं पहले खुद को यह पॉइंट पूछता हूं कि भैया मैं प्रोविजन लिख रहा हूं क्या ये टू द पॉइंट लिख रहा हूं मैं प्रोविजन लिख रहा हूं क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है ये दो पॉइंट हमेशा मेरे दिमाग में चलते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त मैं ये हमेशा ट्राई करता हूं मैं क्वेश्चन को रिपीट ना करूं और सिर्फ आंसर की तरफ एक्सप्लेनेशन लेके जाऊं मैं वन लाइन में डिसीजन कंक्लूड करता हूं आंसर मैं सिर्फ वही लिखता हूं जो उन्होंने पूछा है मेरे को क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है उन्होंने क्या पूछा है इससे मतलब है और सबसे आखिरी मैं सजेशन लिखने के पहले दस बार सोचता हूं क्या रिलेवेंट है तो आप मेरा सजेशन इरेलीवेंट नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के ऊपर सवाल पूछा इसलिए मैंने सभी कैरेक्टर के मैंने लिखे भी और मैंने नहीं भी लिखे क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने हो सकता है एक मिनट ज्यादा दिया पर मैंने ऐसी चीज लिख के आ गया जो दूसरे पेपर में वैल्यूअर को नहीं दिखेगी दिस इज हाउ यू शुड राइट द आंसर ये थम रूल लिख के रखिए फटाफट ये थम रूल लिख के रखिए कोई बात नहीं दीपेश मैं इंदौर सेंटर से बात करूंगा और थम रूल्स को हमेशा याद रखना थम रूल्स भूलना नहीं है पेनड्राइव में क्या क्या है? फैसिलिटी है हर्षित पेनड्राइव में फैसिलिटी है कि आप लेक्चर अच्छे से देख सकते हो ये की फैसिलिटी है पेनड्राइव में बाकी उसके अंदर कोई हम आपको पार्टी वार्टी देंगे <laughs> या आपको एकदम स्वर्ग दिखा देंगे ऐसा कुछ नहीं है लेक्चर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे यही फैसिलिटी है आपकी सहूलियत से कोई दिक्कत नहीं चिराग बेटा हिमांशु व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी डिस्कस करने की यह जगह नहीं है फिलहाल चलो थमरूल लिखो फटाफट डेली क्लास होगी बेटा हर्षित पहले पंद्रह लेक्चर यूट्यूब पे बाद में इंक्रिप्शन मोड में एडमिशन लेने पे आपका अवेलेबल हो जाएंगे थैंक यू सो मच दीपेश बेटा डन एवरीबडी टेलीग्राम चैनल है बेटा दर्शन खरेज करके टेलीग्राम चैनल है आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे नवंबर ट्वेंटी के लिए लेक्चर्स आपने ट्वेंटी टू के लिए सुधांशु आपने नॉर्मली लेक्चर लेने चाहिए दिसंबर जनवरी में दिसंबर जनवरी 2021 22 बाईस अच्छा सुधांशु फाइनल के लिए नवंबर 22 के लिए आपने लेक्चर लेने चाहिए नवंबर 21 में चलो डन एवरीबडी इस तरीके से आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है कंसेप्ट समझ में आया सबको हाँ ना। जोर से बोले ना तो यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना क्लियर कंसप्ट अब मैं आप आगे बढ़ना चाहूंगा ठीक है और एक और क्वेश्चन आज मैं आपको देना चाहूंगा क्या आप एक और क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे अब जैसे मैंने लिखा है उसके हिसाब से एक और क्वेश्चन अगर आप सच में ट्राई करना चाहते हो दिल से तो मुझे प्लीज बताइएगा क्या आप एक और क्वेश्चन यहां पर ट्राई करना चाहोगे YouTube के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है दुर्गा आप वहां से देख सकते हो एक और क्वेश्चन सोल्व करना चाहोगे थोड़ा समय जाएगा पर एक और क्वेश्चन आप सोल्व करोगे आपको फिट हो जाएगा कि आपको लिखना क्या है ठीक है ऐसा ही एक सवाल मैं आपको डेवलप करके दूंगा बहुत बढ़िया अब अगर होता है तो अपन ट्राई करते हैं कि पास्ट एग्जाम का ही उठाए उठा आप में कितने गट्स है अभी आपने एक्सेप्ट भी किया है बहुत अच्छी बात है मेरे को आखिर डेयरिंग बहुत पसंद आया पर मैं पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन यार कहा है लेट मी शी क्वेश्चन ये मेरे को देखने दो पहले भगवान माता रानी क्वेश्चन किधर गया है मां शक्ति क्वेश्चन एर किधर गया मां हे भगवान क्वेश्चन तो चलो यहां नहीं है मैं खुद एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं वही लिख लो ठीक है गो फॉर इट फास्ट क्वेश्चन बनाते हैं रेडी गो लिखना क्वेश्चन नंबर जो चाहिए वो दे देना क्वेश्चन लिखना शमशान लिमिटेड शमशान लिमिटेड Shamshan Limited is a company is a company having having two members having two main members having two main members and other other Minority members having two main members and other minority members, two main members, full stop, two main members, two main members that is Mr. Bhut, that is Mr. Bhut and Mr. Murda, and Mr. Murda. Our creditor, our creditor, and employee of the company respectively, and employee of the company respectively. Mr. Bhut and Mr. Murda are employee of the company respectively. First up, Mr. Bhut is a debenture holder mr Booth is a debenture holder to the amount of to the amount of to the amount of 10 crore rupees to the amount of 10 crore rupees and mr murda and mr murda having compensation agreement for employment having compensation agreement for the employment to the tune of 3 crore rupees having compensation agreement for employment to the tune of 3 crore rupees for permanent damage 3 crore rupees for permanent damage full stop Stop. Company have two more creditors. Company have two more creditors. That is Miss Diane. That is Miss Diane. And Miss Chudel. And Miss Chudel. That is Miss Diane. And Miss Chudel. To the tune of. To the tune of. 8 crores to the tune of 8 crores and 15 crores respectively. To the tune of 8 crores and 15 crores respectively. Full stop. To the tune of 8 crores and 15 crores respectively. Full stop. Mr. Murda met with an accident mr murda met with an accident and as he is a key employee company went into liquidation and as he is a key employee company went into liquidation company went into liquidation and realized and realized and realized assets of rupees fifteen crores. Assets of rupees fifteen crores. Full stop. Mr. Rakshas. Mr. Rakshas. Mr. Rakshas. Mr. Rakshas a qualified liquidator is appointed. Mr. Rakshas, a qualified liquidator is appointed. Seeks your advice. Seeks your advice. On calculation of liquidation. Seeks your advice on calculation of liquidation amount. On calculation of liquidation amount. प्लीज हेल्प हिम प्लीज हेल्प हिम फुल शट अप फुल शटअप हुई गो कोई हुई ना लिख लिया क्या चलो डन ये सवाल आपको सॉल्व करना है ठीक है ये सवाल होमवर्क में है आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं शॉर्ट ले रहा हूं क्योंकि कुछ थोड़ा पर्सनल इशू है उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा भागना पड़ेगा जल्दी थोड़ा तो आज का लेक्चर में थोड़ा सा आपका शॉर्ट ले रहा हूं ठीक है नियरली सवा घंटे का लेक्चर हुआ है नॉर्मली डेढ़ एक घंटे का हमारा होता है सो तो आज हम यहां पे काफी करते हैं ये आंसर आज आप लिख के आना कल मैं इसको ओरली बताऊंगा ठीक है पर पीछे जो आंसर दिया है उसके गाइडेंस के साथ लिखना और इस आंसर में कैलकुलेशन भी है तो आपको बाकायदा कैलकुलेशन करके देने पड़ेंगे प्रेफरेबली आप एक्सप्लेनेशन में कैलकुलेशन दिखाओ और वो भी टेबल फॉर्म में थोड़ा सा दिखाओ तो काफी अच्छा रहेगा ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको अगर आप इसको कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन

केयर और मेरी तरफ से बहुत 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 ज्यादा बेस्ट ऑफ लक इस आंसर को बड़े अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करना गुड डे गॉड बेस्ट बेटा टेक केयर बाय बाय